अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज कुछ थोड़े से मसले मसाइल हैं, उन पे बात करते हैं। कुछ दिनों से मैं ख़ुद बहुत बिज़ी हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा, मैं इंशाल्लाह ताला मसलों का हल भी बताऊंगा। उसके अलावा कुछ नए फीचर्स और जो है नई अपडेट्स, उनके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या नए फीचर्स हैं लुमियन 8 में। अभी मैं लुमियन 8 यूज़ कर रहा हूँ। इसमें सिंपल सा जो है मेथड है, एक मॉडल इम्पोर्ट करने का। यहाँ जहाँ लाइब्रेरी है, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, इसी के साथ एक इम्पोर्ट का बटन बना हुआ है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास दो विंडोज़ खुलती है। एक तो ये लेफ़्ट साइड है, जो ऑलरेडी आपने मॉडल इम्पोर्ट किए होते हैं, ठीक है। आपने इस पे क्लिक नहीं करना। जब आप सिंपली इस पे क्लिक करते हैं या इस बटन को प्रेस करके आप इस जगह पे क्लिक करते हैं, तो आपका जो प्रीवियस अपलोड मॉडल होता है, वही का वही आपकी विंडो में वो इंसर्ट हो जाता है, वही आपका मॉडल आ जाता है। आपने ऐसा करना है कि ऐड अ न्यू मॉडल, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डेस्कटॉप खुल जाएगा। वहाँ से आप कोई भी मॉडल, मतलब ये मैं इंपोर्ट करता हूँ, इसको मैं अभी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। एक फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। अभी मैं एक और मॉडल इंपोर्ट करना चाहता हूँ। इसमें आप अगर इसी देखें, ये मैंने मॉडल इंपोर्ट किया है फॉर एग्जांपल। अगर मैं दूसरा मॉडल इंपोर्ट करना चाहता हूँ, अगर तो मैं इसी पे क्लिक करूँगा तो मेरे ये इधर कुछ मॉडल्स पड़े हुए हैं। ये जो मेरे पहले मॉडल्स हैं, इनको मैं अगर डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर कोई और मॉडल मुझे चाहिए तो मैं दोबारा से ऐसे करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट पे जाऊँगा, ठीक है। दोबारा से ये मेरे पास लुमियन 8 है, इसमें दोबारा इंपोर्ट न्यू मॉडल पे जाऊँगा। न्यू मॉडल पे आप कोई भी चीज़ है तो आप जो है उसको यहाँ पे दोबारा से, एक मॉडल इंपोर्ट पहले किया है और दूसरा भी आप करना चाह रहे हैं तो दूसरा भी अलग से आप इजीली कर सकते हैं। वो उधर हो गया, ये इधर हो गया। तो इस तरह अगर और आपको चाहिए तो और ऐड न्यू मॉडल, यहाँ से जितने मर्जी आप अनलिमिटेड मॉडल आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। लुमियन 6 है या लुमियन 8 है, जो भी है, आप इसी तरह इसमें ये काम कर सकते हैं। तो ये तरीका कार होता है इसको मॉडल इंपोर्ट करने का। अगर आपको पिछले, क्योंकि अगर मैं इस पे चला जाता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं किसी और टूल पे चला जाता हूँ, दोबारा से मैं इंपोर्ट में आ जाऊँगा, इंपोर्ट में आ जाऊँगा ना, तो ये मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अभी मैं इधर इधर प्रेस करूँगा तो यही वाला जो पहले मैंने इंपोर्ट किया वही वाला आ गया, जबकि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे इसको छोड़ के इस वाले ऐड अ न्यू मॉडल पे मुझे जाना चाहिए। ऐड अ न्यू मॉडल पे करेंगे तो तब जबकि मेरा एक नया जो खुलेगा, नई विंडो खुलेगी, उसमें से मैं सिलेक्ट करूँगा अपना मॉडल, सिलेक्ट करके तो उसके बाद में इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। ये तरीक़ाकार होता है मॉडल का। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक भी करें आप, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, जहाँ मिस्टेक हो वो बताएं और कोई मसला आता है तो भी बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।